हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज के बैक साइड के लिए चौकोर गला बनाना सिखाएंगे, कटिंग करना उसका सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम ये अस्तर वाला ब्लाउज बता रहे हैं। तो इसमें हमने अस्तर और कपड़े को साथ में रखा है, साथ में हमने फोल्ड करके और पिनअप कर लिया है, जिससे कि दोनों कपड़ा हमारा बराबर रहे। और इसकी साइज बता दें, 36 साइज का ब्लाउज है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप हमारी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो इस सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं, हमें इसे रेडी 14 रखना है। तो इसके लिए हम 15 इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर से, आधा इंच, आधा इंच नीचे से। इसका शोल्डर हमें लेना है 5.5, क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं, इसलिए इसका शोल्डर हमें कम लेना रहता है। मुड्ढा रखेंगे हम 6 इंच। चेस्ट हमारा 36 है, 36 का 4 बार करेंगे हम, 9 आएगा, 9 इंच हो गया। इसमें 2 इंच हम प्लस कर लेंगे। पहले हम गले का चौड़ाई लेते हैं, तो ऊपर से हम 2.5 इंच पे रखेंगे और नीचे का हमें यहाँ पे बस बहुत पतला पट्टी रखना है, सिर्फ लगभग 2 इंच का। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 इंच छोड़ना है, आधा इंच नीचे से जाएगा, आधा इंच यहाँ से जाएगा। तो 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं और उसके बाद जो बचेगा उतनी हमारी लंबाई रहेगी। तो लंबाई हमारी फिर 12 इंच बच रही है। और इधर से हम इसकी चौड़ाई, नीचे से इसकी चौड़ाई हम 3 इंच पे लेंगे। 3 इंच पे हो गया। अभी ये दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। ये दोनों लाइन को हम मिला लेते हैं और यहाँ पे हम प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं। प्लेट्स को हम 3.5 इंच पे रख रहे हैं और इसकी लंबाई हम 4 इंच पे रख रहे हैं। ये हो गया हमारे ब्लाउज का चौकोर गले का चौकोर गला हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे, मुड्ढे पे हमने गुलाई नहीं दिया था, यहाँ पे गुलाई दे देंगे। अब हमारा निशान रेडी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे चौकोर गला की कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि चौकोर गले में इतना कुछ रहता नहीं है, ये बहुत इजी रहता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके हम आगे का, यानी फ्रंट साइड का हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, तो उसकी भी कटिंग हम आपको बता दे रहे हैं, उसका भी निशान लगा के बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसको साइड में कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट की कटिंग हम अस्तर पे करके आपको दिखाएंगे। इसकी लंबाई हम रखेंगे 16 इंच और शोल्डर हम उतना ही रखेंगे, 5.5 इंच। मुड्ढा हम 6 इंच पे रखेंगे। चेस्ट 9 इंच है। और इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम गोलाई कर लेते हैं।
यहाँ से हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2.25 इंच पे, लंबाई हम 7 इंच पे ले रहे हैं, इधर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी हम गोलाई कर देंगे। ये हमारी लंबाई है 16 इंच। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 10 साढ़े 10 इंच पे यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। इधर से हमारा 4 इंच पे रहना चाहिए, ये 4 इंच पे है जो हमने ऊपर से निशान लगाया था, यहाँ से 4 इंच पे आ रहा है। यहाँ से हम इसको गोलाई करते हुए ले जाएंगे, मुड्डे तक निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। अभी हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच लेके यहाँ हम लगभग 3 इंच तक इसको गोलाई दे देंगे, यहाँ पे मिला लेंगे। इसको हमें कट करके निकालना रहेगा। यहाँ से हम थोड़ा तिरछा कर लेंगे 1/2 इंच पे। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का निशान। ये भी सिंपल तरीका है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम एक प्लेट्स डालेंगे, ये हमारा आगे से यानी फ्रंट से ओपन है, यहाँ पे हुक रहेगा, तो यहाँ बीच से हम लगभग 4 इंच पे एक प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स की चौड़ाई हम 3 इंच पे रखेंगे। जो हमारा यहाँ पे बनेगा उससे हमारा ये नीचे ही रहेगा, थोड़ा 2.5 या 3 इंच पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमारी प्लेट्स बन जाएगी। तो अभी हमारा प्रिंसेस कट बन के रेडी हो गया है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमने जो निशान लगाया था, यहाँ से हमने जो गोलाई किया था, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हम इस तरह से करेंगे। ये हो गया, इसको हम कट करके निकाल देंगे, इसका काम नहीं है इसमें। ओके, ये हो गया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो जॉइंट भाग है इसको हम कट कर लेंगे। ओके, ये हो गई हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग, वो भी सिंपल तरीके से। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।